यहाँ पर मैं आया हूँ आपको एक रूम का टूर कराने के लिए जो कि रबात में मेन सिटी के अंदर है। ये मॉल्टीज पुराना, काफ़ी पुराना हाउस है, इसके अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। एंट्रेंस देखो कितनी प्यारी है, कलर देखो डोर का, येलो, ये ऑरेंज कलर का है, और फैसल करके एक लड़का है, दोनों को दिलाए। ये इनका रूम है, देखो यहाँ पे पूरा चकास, एकदम विंडो है बड़ी सी, और यहाँ पे ये किचन है इनका। किचन देखो कितना साफ सुथरा, इलेक्ट्रिक किचन है पूरा। इनका वॉशरूम है, यहाँ पे शावर एरिया, ये इनका WC, ये अपना ब्रश ब्रश करने के लिए शीशा। ये है इनका डाइनिंग एरिया यहाँ पे, प्यार। फॉर्चुनेटली उसके पास खाली था एक रूम, तो हम लोग को भी ज़रूरत थी, ये दिलवा दिया। तो क्या रेंट है यहाँ पे? इन्हें भी क्या बहुत रूम देखे, रूम इनको भी फाइनली काफ़ी मुश्किल में मिला था। सेम सबकी एक ही कहानी है। ये यहाँ पे चर्च है, तो ऐसी लोकेशन पे इनको घर मिला हुआ है जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए। Hey guys, welcome to my channel and welcome to a new video here in Malta. So अभी मैं हूँ रबात में, मदीना के पास में। बहुत ब्यूटीफुल नगर है, मदीना के पास में है, और बहुत अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पे एरियाज और चर्चेस वगैरह हैं विजिट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आया हूँ आपको एक रूम का टूर कराने के लिए जो कि रबात में मेन सिटी के अंदर है। आपको बाहर का एरिया भी दिखाऊँगा, पहले आपको रूम टूर कराऊँगा। यहाँ पर मेरे पीछे है यश, जिसका आपने इंटरव्यू देखा है। नहीं देखा है तो शायद से आगे आएगा, अगर आगे नहीं आएगा तो पहले पहले डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं तो मैं टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। तो उसका जो रूम मैंने ही दिलवाया था, ये रूम, तो मैं उसका टूर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा रूम है, क्या रेट्स वगैरह हैं, सब कुछ आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ से एंट्रेंस है, सिटी के जस्ट बाजू में रास्ता है। अभी मैं बाहर का भी एक व्यू डाल दूँगा बाद में, जब बाहर जाऊँगा तो सिटी का भी व्यू डाल दूँगा। और यहाँ से देखो, ये मॉल्टीज पुराना, काफ़ी पुराना हाउस है, इसके अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। बहुत पुराना है, कैसल की तरीके है। अंदर जाओ तो जैसा कैसल वाला फील आता है ना, वैसा है। ये देखो, अंदर आते हैं, यहाँ पे झूमर वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पे ये लाइट वगैरह चालू हुई है। देखो क्या प्यारा है ना, थोड़ा सा लाइट का नज़ारा। ये देखो एंट्रेंस देखो कितनी प्यारी है, कलर देखो डोर का, येलो, ये ऑरेंज कलर का है। यहाँ पे ये देखो है ना, यहाँ की भी लाइट चालू हो गई। सीधा चलते हैं ऊपर, देखो यहाँ पे भी वैसी लाइट लगी हुई है, झकास झकास एकदम। मतलब अंदर जाते जाते एकदम कैसल का फील आता है, जैसे कैसल नहीं होता वैसा। बहुत सारे रूम्स वगैरह हैं, लेकिन इनका जो रूम है एकदम टॉप पे, एकदम ऊपर है। यहाँ पे भी लाइट चालू हो गई, अभी ये ओपन करेंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर जाना है, ऊपर टेरेस पे है। दो रूम का अपार्टमेंट है पूरा ऊपर, इसमें एक में एक कोलंबियन लड़का रहता है, दूसरा मैंने इनको दिलवाया है, इसमें कोलंबियन लड़का रहता है। ये यहाँ से एंट्रेंस है, और इधर लेफ्ट साइड में यश का रूम है। यश और फैसल करके एक लड़का है, दोनों को दिलाया है। ये इनका रूम है, देखो यहाँ पे पूरा झकास, एकदम विंडो है बड़ी सी, जाली वाली भी है और रेगुलर विंडो भी है, और सामने पार्क वगैरह वो भी आपको दिखाऊँगा। ये फैसल, इनका वीडियो भी, इनका भी वीडियो आप देखेंगे। रूम काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, बट दो लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। एक बेड दिया हुआ है, और यहाँ पे कबर्ड वगैरह है सामान रखने के लिए, स्टोरेज लॉकर वगैरह इनके दो, ऊपर सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे अपना कुछ भी रख सकते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह है, और ड्रेसिंग टेबल टाइप की आप इसको बोल सकते हैं। साइड टेबल है, दो एसी है। यहाँ पे देखिए, वही बिम जो पुरानी मैंने सरप के रूम में दिखाई थी, वैसी बिम्स हैं, एकदम प्रॉपर मॉल्टीज हाउस। और ये लाइम स्टोन है, ये झड़ता भी है, लेकिन इस पर इन्होंने प्लास्टर वगैरह कुछ किया हुआ है तो झड़ नहीं रहा, वैसे ही झड़ता है। अभी बाहर लेके चलता हूँ आपको, फिर से गैलरी में आ जाते हैं। छोटी सी गैलरी है ये, और यहाँ पर ये किचन है इनका। किचन देखो कितना साफ़ सुथरा, इलेक्ट्रिक किचन है पूरा। यहाँ पर ओवन है, इनकी कबर्ड्स वगैरह, कैबिनेट्स वगैरह, और सारा जो घर है ना सराउंडेड है विंडोज़ वगैरह से, तो बाहर से जो नेचुरल लाइट है ना, नेचुरल लाइट की कमी नहीं रहेगी। और इनका वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। ये देखो, टॉवल गिर गई, एक सेकेंड, टॉवल गिर गई थी। इनका वॉशरूम है, यहाँ पे शावर एरिया, ये इनका WC, ये अपना ब्रश ब्रश करने के लिए शीशा। ठीक है, बंद करते हैं इसको, अब ले चलता हूँ एकदम डिफरेंट पार्ट में। तो ये हो गया दो रूम, एक इधर एक इधर, वो एंट्रेंस, ये किचन खाना बनाने के लिए। अब ले चलता हूँ डाइनिंग एरिया में। ये है इनका
डाइनिंग एरिया यहाँ पे प्यारा सा, अभी इनका गजीबो भी दिखाता हूँ, गजीबो कितना प्यारा है। इनका डाइनिंग एरिया अगेन नेचुरल लाइट के साथ में पूरा व्यू, और ये बंद भी हो जाता है, ये पूरा कवर करके आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है, वाईफाई है, माइक्रोवेव है, यहाँ पे ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं, अगर आप वाइन वगैरह अपना स्टोरेज के तरीके यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रिज है जहाँ पे इनका सामान रखा हुआ है। ओके, सो इट्स ऑल रियली रियली नेचुरल एंड रियली ब्यूटीफुल। अभी लेके आता हूँ आपको बाहर के नज़ारे दिखाने के लिए। तो इनका टेरेस एरिया है जिसको पेंट हाउस बोल देते हैं, रूम कम पेंट हाउस। यहाँ पे सरब जी और यस दोनों बैठे हुए हैं। तो यस और सहजाद जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है, वो यहाँ पे दोनों लोग रहते हैं सिंगल रूम में। रेंट भी बताऊँगा आपको। और यहाँ पे ये पार्क है, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं और कोई भी आ सकता है अपना एक्टिविटीज़ वगैरह करने के लिए। और ये पूरा रबात नगर है उपटाऊ में, अंदीना उस तरफ है। और यहाँ पे वो ब्यूटीफुल सा चर्च जो अभी मैं आपको बाद में वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगा, जो पूरी सिटी है चारों तरफ सराउंडेड है अच्छे अच्छे लोकेशंस के साथ में। यहाँ पे इनका एक लॉन्ड्री रूम है जहाँ पे ये वॉशरूम कम लॉन्ड्री रूम, यहाँ पे अपना कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं। ये इनका WC है जो अपना यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में अगर। ये शावर एरिया है बट अभी बंद है, ऑनर ने यहाँ तक बंद करके रखा है। बट ये एरिया ना एकदम बहुत परफेक्ट लगता है मेरे को, रात में यहाँ लाइट्स वगैरह चालू हो जाती है तो पूरा गजीबो वाला फील आता है और बहुत प्यारा लगता है। बैठ के लाइट्स वगैरह चारों तरफ से चालू होती है और अच्छी वाइब्स आ रही होती है, बहुत प्यारी वाइब्स आती हैं। तो ये इनका रूम है। और यश जरा बताओ इसमें रेंट वगैरह कितना है? यश ने, आपने यश के इंटरव्यू में देखा होगा, यश ने आपको बताया है कि ये रूम कैसे क्या मिला, कैसे क्या डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे रहता था तो मैंने उससे बात करी तो एक फॉर्चुनेटली उसके पास खाली था एक रूम, तो उन लोग को भी ज़रूरत थी फिर दिलवा दिया। तो क्या रेंट है यहाँ पे? अभी पर पर्सन 250 है यहाँ पे, 250 यूरो। ओके, एंड यूटिलिटी बिल एंड वाटर बिल वो अलग से रहना है। हाँ, सरबजीत का भी मैंने दिखाया था, सरबजीत का अच्छी लोकेशन पे 300 यूरो में है पर पर्सन, बट यहाँ पे 250 है। ठीक है, और लोकेशन भी अच्छा है, वो भी बाई लक मिल गया, मिलना नहीं है ऐसे रूम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पर रूम का आपको पर पर्सन अगर बंग बेड वाले रूम 250-300 में मिल रहे हैं इस समय। हाँ, बहुत रूम कम मिलना इतना मुश्किल है। कितने रूम ढूंढे थे? बहुत रूम, 15-20 रूम देख लिए है हमने। और यहाँ क्या मेन प्लस पॉइंट है, यहाँ टोटल पूरे अपार्टमेंट में 3 पर्सन ही रहते हैं। 15-20 रूम देखे और प्लस उल्टा कितने जगह सर्च किए, कितने को मैसेजेस किए, जब से लगभग फ्री बैठे थे यही कर रहे थे सुबह से उठ के रूम देखना, रूम बस देखना और जाना, एड्रेस लेके बस में बैठ के निकल जाते थे विजिट मारने रूम दिखाओ। रूम मिलना बहुत, यही काम सरबजीत ने भी किया, बहुत रूम देखे, रूम इनको भी फाइनली काफी मुश्किल में मिला था। सेम सबकी एक ही कहानी है, बस सुबह से लग जाते हैं मैसेज करने, रूम देखना, इज इट अवेलेबल मार्केट प्लेस पे। माल्टा में यहाँ के लोकल माल्टीज को पता चल गया है कि रूम की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो धीरे धीरे रेंट भी बहुत हाई कर रहे हैं और वो रूम मिलना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, अभी पहले जैसा इजीली नहीं मिल सकता है। तो वो सोच समझ के आओ यहाँ पे देखो। तो ये रूम की लोकेशन थी पूरी आपको मैंने दिखाई, अभी मैं आगे आपको ये एरिया का भी थोड़ा सा डाल दूंगा जिससे आपको एरिया भी पता चल सके कि कैसा एरिया है और कहाँ पे इनको मिला। ये बेस्ट लोकेशन है और मुझे ये दोनों रूम इतने ज़्यादा पसंद आए ना कि मुझे खुद के रूम में बुरा लगने लगा कि मुझे क्यों नहीं मिला ये सारा रूम। सो ये आसपास का एरिया है उस रूम के पास में जहाँ पे यश का रूम है, ये आसपास का एरिया, ये पूरा रबात एरिया है, चारों तरफ बस घूमने घूमने वाली लोकेशंस हैं, अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं। यहाँ का एक व्लॉग भी मैंने बहुत पहले किया हुआ है। ये यहाँ पे चर्च है, तो ऐसी लोकेशन पे इनको घर मिला हुआ है जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए है ना, बहुत लकी हैं ये लोग। तो ये यहाँ की लोकेशन है, माल्टा का मेन टाउन, मेन प्लेस है यहाँ पे। ऑलराइट, सो अच्छा लगा ये वीडियो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, मिलता हूँ किसी एक और वीडियो में। ये सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, है ना,
सब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे। बहुत सारे टूरिस्ट दिन रात आते हैं। यहाँ पे हमारे लेफ्ट में एक रेस्टोरेंट है चौक करके, वहाँ पे ऑलरेडी मैं एक बार आ चुका हूँ और उसका व्लॉग भी मैंने किया हुआ है बहुत पहले, जब स्टार्टिंग में मैं माल्टा आया था। ये वाले रेस्टोरेंट में बहुत प्यारा लगा था, पहले मैं आया हुआ यहाँ पे एक बारी।